काफ़ी जो इतने कैंडिडेट्स टैंपररी रेजिडेंट स्टेटस के ऊपर ने भावें स्टडी परमिट है वर्क परमिट है कई हमें कि स्टेटस चला गया पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए फाइनेंशियल ऑब्लीगेन करके या ग्रेड्स कट्टे या कई बार वैसे नहीं पता लग गया स्टेटस एक्सपायर हो गया वट एवर रीजन यू मे बी आउट ऑफ स्टेटस तो उस केस ऑप्शन बचती है जो टीआरपी का नाम नहीं सुनिया है दिस वीडियो इज फॉर यू एंड एंड वॉच इट टिल द नाउ लाइक टू एक्सप्लेन मैं टीआरपी की गल कर रहा हाँ टीआर नहीं टरपी मतलब टैपररी रेजिडेंट परमिट ना कि टेंपररी रेजिडेंट वीजा दोनों एप्लीकेश्स बिल्कुल ही डिफरेंट है टीआरपी है कि आर एक डॉक्यूमेंट है जो एक इनएडमेसिबल कैंडेट नली रह इनएडमिसिबल मल्टीपल कारण करके हो सकते हो बट वी आर टॉक अबाउटेट्स गवा चुके हैं इस चीजें स्टडी परमिट या वर्क परमिट या जो भी टेंरी स्टेटसट तो नहीं किया टीआरपी के उपर क्यों एक्सप्लेन दे रहा हाँ काफी वारी जो तो बचे या कैंडीडेट्स अपना स्टेटस गवा बैठते हैं मन ज एक चीज होंगी है कि पैसे खर्च करके या कुछ भी जुगाड़ करके एल एम आई ए तो मिल ही जाएगा बट जो तुम अपने इमीग्रेस स्टेटस की कंपलायंस नहीं तोड़ चुके हो एल एम आई ए के बेसिस से भी वर्क परमिट अपलाई करने प्रॉब्लम आएगी ही आएगी यू नीड टू हैव अ वैलिड स्टेटस इन कैनडा बिफोर यू अपलाई फॉर एनीथिंग एल्स हूँ टीआरपी के बेसिस से यू मे बी एबल टू री स्टोर योर स्टेटस टू अ स्टूडेंट और वर्क परमिटे को एल एम आई ए है और दे कैन भी मोर एवन्यूज ऑलसो उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसैस TRP का की हो सकता है आ इंडिविजुअल कैंडेट्स की सिचुएशन के उपर ही डिपेंड करता है बट टेकिंग इट विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरसटैंड के जे TRP की प्रोविजन हैगी है दैट डज नॉट मीन कि हर किसी टीआरपी अप्रूव भी होएगा इट इज़ कंपलीटली एट द डिस्क ऑफ द ऑफिसर तो आह वाली एप्लीकेशन प्रोपर तरीके प्रोपर एक्सपलेनेशन प्रोपर रीजनिंग एंड प्रोपर, प्रोपर अगे का अपना प्लान बना के देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मोरल ऑफ द स्टोरी जो स्टेटस जा भी चुके हैं it may still not be the end of the world. Yes, TRP applications are not easy. Nahi diya, but still, a hope, an option exists. exist. Every case is unique. Every situation is different. If you want to si case, discuss your case, your situation, please feel free to contact us. Like this video, share this video with anyone who you think may benefit from this. Uh, niche comments below and uh, let us know what you think. Uh, if there's any other topic you would like us to address, most welcome. And uh, we'll see you in the next one.